धारा 370 CANRC और 3 तलाक के बाद भारत सरकार अब एक और कदम उठाने जा रही है। भारत सरकार अब समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में लग गई है। इसके लिए 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग द्वारा जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। इससे पहले पिछले विधि आयोग ने 2016 में इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू किया था। 21वें विधि आयोग ने 2018 मार्च में जनता के साथ विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की जरूरत देश को नहीं है, लेकिन पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ में सुधार की बात जरूर की गई थी। 22वें विधि आयोग को हाल ही में 3 साल का विस्तार मिला। आयोग ने अपने बयान में कहा कि पिछले परामर्श को जारी होने की तारीख से 3 साल से अधिक समय बीत चुका है। इस विषय की प्रासंगिकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए, तमाम अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार विमर्श करना उचित समझा है। आयोग ने 2016 में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गए रेफरेंस पर यूनियन सिविल कोड से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। बयान में कहा गया कि भारत के 22वें विधि आयोग ने फिर से समान नागरिक संहिता के बारे में बड़े पैमाने पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने का फैसला किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का एक हिस्सा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया था। उधर उत्तराखंड जैसे राज्य अपनी समान संहिता तैयार करने की प्रक्रिया में खुद जुट गए हैं। तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में एक जवाब में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब इसके आधार पर ही सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहती है, जिसके लिए प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।